गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 3, सोना इज थर्स्टी रिविजन। ओके, सो व्हेन वी रीड चैप्टर नंबर 3, देन वी विल डू रिविजन ऑफ हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर। देन आफ्टर वी विल वॉच video clip. Okay, what we will going to do, we will watch a video clip of common noun and proper noun. This is the topic of chapter number 3, grammar topic, right students? Now chapter 3, what is written there? Sona is thirsty. क्या लिखा है इसमें? What is written there? Sona is thirsty. इसका मतलब क्या है कि ये जो सोना है वो thirsty है ना? तो सोना किसी का नाम है, और मैंने एक और चीज़ बताई थी, जब किसी का कुछ नाम होता है तो इट इज़ नोन एज अ प्रॉपर नाउन एंड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। नाउ देखो, ये वार्म अप लिखा हुआ है। वार्म अप में क्या लिखा हुआ है? लुक एट दिस पिक्चर्स ऑफ मृणल। ये जो बॉय है वो कौन है? मृणल है। नन रीड द लास्ट लाइन, मृणल इज सिक, ही हैज अ कोल्ड। मृणल इज सिक, ही हैज़ अ कोल्ड, सी ओ एल डी, कोल्ड। देखो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में क्या है कि वो, उसको खांसी आ गई, ही इज़ हैविंग कफ। सेकेंड, वो स्नीज कर रहा है। एंड थर्ड, इसमें वो टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि ये थ्री पिक्चर्स हमें क्या समझ आ रहा है देख कर, कि दैट हिज नेम इज़ मृणल, एंड मृणल को क्या है, मृणल इज़ हैविंग cough and cold. Okay, now let's read the chapter. Chapter, Sona is a baby elephant. ये जो सोना है वो कौन है बेटा? ये baby elephant है। ये जो boy है ये कौन है? baby elephant है। कौन है? baby elephant। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोना। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है सोना। So Sona is a baby elephant. Non नेक्स्ट, शी लिव्स इन द फॉरेस्ट। शी लिव्स इन द फॉरेस्ट, वो कहाँ रहती है? शी लिव्स इन द फॉरेस्ट विद हर मदर एंड ब्रदर। वो वहाँ पे किसके साथ रहती है? अपने मम्मी और पापा के साथ रहती है ना? तो देखो, मैं यहाँ पे जो रेड कलर से करूँगी वो कौन है इसकी? मम्मा। वो कौन होगी इसकी? मम्मा हो जाएगी। ओके, ये कौन है? ये मम्मा। कौन है बेटा? मम्मी। ये देखो, जो मैंने पिंक कलर से कर रही हूँ, दिख रहा है आपको कलर? या फिर मैं दूसरा कलर चेंज करूँ? चलो, मैंने यहाँ पे कलर पर्पल ले लिया ताकि आपको दिखाई दे। ये क्या है? इसकी मम्मा है। ठीक है, ये कौन है? मम्मा है। एंड नेक्स्ट कौन है बच्चों? नेक्स्ट है यहाँ पे, ये है, देखो सबसे छोटी ये है ना। नेक्स्ट वन कौन है? ये कौन है? उसका भाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मम्मी, भाई और ये सोना खुद। ये कौन होगी? सबसे छोटी है तो ये सोना हो जाएगी। ओके, तो कौन है यहाँ पे? शी लिव्स इन द फॉरेस्ट विद हर मदर एंड ब्रदर। वो अपने मम्मी और भाई के साथ वहाँ रहती है। ओके, नेक्स्ट वन इज, वन डे Sona is very thirsty. One day क्या हुआ? Sona is very thirsty. She walks to the river to drink water. वो कहाँ गई थी पानी पीने के लिए? वो कहाँ जा रही है? वहाँ पे पानी पीने के लिए आई। वो वहाँ पे पानी पीने के लिए आई क्योंकि उसको क्या था, उसको बहुत ही प्यास लगी थी। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे अपना जो ट्रंक होता है ना, ये आपको मालूम है ना, एलिफेंट का हमेशा ट्रंक से ही खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। वो इस ट्रंक से कोई भी सामान उठाते हैं और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुंह में अपने डालते हैं, राइट? तो शी डिप्स हर लिटिल ट्रंक इन द वाटर। जो उसका ये लिटिल ट्रंक था, उसने क्या किया, उसने पानी में डाला ताकि वो पानी को सक कर सके, वाटर गन की तरह। नेक्स्ट लाइन इज, देन शी ट्राइज टू सक द वाटर विद हिज ट्रंक। वो अपने ट्रंक से पानी
पीने का ट्राई कर रही थी, देखो यहाँ पे वो ट्राई कर रही है यहाँ पे ऐसे, बट वो पानी नहीं पी पा रही है। क्यों क्यों पानी नहीं पी पा रही है? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आई कांट ड्रिंक वाटर। वो देखो क्या लिख रही है, आई कांट ड्रिंक वाटर, आई हैव अ कोल्ड। उसको क्या है यहाँ पे, कोल्ड है। वो यहाँ पे देखो पानी नहीं पी पा रही है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि वो से कोल्ड है और वो बहुत परेशान हो गई है। वो क्या हो गई है, बहुत ही परेशान हो गई है कि अब वो पानी कैसे पिएगी, राइट? तो फिर देखो नेक्स्ट पिक्चर में क्या लिखा है, शी स्टार्टेड क्राइंग। वो क्या कर रही है यहाँ पे, देखो रोना स्टार्ट कर रही है। वो क्या कर रही है, रो रही है यहाँ पे, आई एम सो सैड, हाउ कैन आई ड्रिंक वाटर नाउ। अब वो बोल रही है कि मैं कैसे पानी पीऊँगी अभी, उसको तो बहुत प्यास भी लगी है, वो सैड है। तो वहाँ पे ये जो है वो, ये कौन है यहाँ पे, ये है इसका भाई। ये कौन है, ये इसका भाई है, ये राज। इसका नाम क्या है, इसका नाम है राजू। इसका नाम क्या है बच्चों, राजू। राजू हर ब्रदर कम्स टू द रिवर। और इसका जो राजू का जो इसका भाई है वो वहाँ पे आता है, एंड ही आस्क टू सोना कि व्हाट इज़ द मैटर सोना, क्या हो गया है सोना। जब हम कोई परेशान होते तो हमें मम्मी पापा हमसे पूछते हैं ना कि क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ इश्यू है इस तरह से, तो वो उसे पूछते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे देखो ये सोना, ये कौन बात कर रहा है, ये सोना बात कर रही है। ये कौन बात कर रही है, सोना, कि मुझे यहाँ पे कोल्ड है। सोना इज़ टॉकिंग टू, वो किससे बात कर रही है, इज़ टॉकिंग टू राजू। वो किससे बात कर रही है, राजू से, कि मुझे क्या है, आई हैव अ कोल्ड, आई कॉन्ट ड्रिंक वाटर, आई एम थर्स्टी। ये देखो क्या बोल रही है, आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ बैड कोल्ड, मतलब इसको बहुत ही सर्दी है, आई कॉन्ट ड्रिंक वाटर, आई एम सो थर्स्टी, इसको बहुत ही प्यास लगी है। तो यहाँ पे जो राजू है, ये राजू है ना, ये राजू है, देखो उसका कलर भी थोड़ा डार्क है। वो क्या बोलता है यहाँ पे, डोंट वरी आई विल हेल्प यू। क्या बोल रहा है सोना से, दैट डोंट वरी आई विल हेल्प यू नाउ, ओपन योर माउथ सोना, अपना माउथ ओपन करो ताकि वो उसको हेल्प करे। अब वो माउथ ओपन करेगा तो सोना जब माउथ ओपन करेगी तो उसमें क्या करेगी, वो देखो इसमें लिखा हुआ है, व्हाट इज़ दिस रिटन हियर, देखो इसमें क्या लिखा है, सोना ओपन्स हर माउथ। जो सोना है वो क्या करती है, अपना माउथ ओपन करती है। देखो इससे सोना ने अपना माउथ कैसे ओपन किया, यहाँ पे ऐसे उसने अपना माउथ ओपन किया, राइट। ये राजू सक्स इन वाटर विद हिज टंग, और जो ये राजू है उसने क्या किया, यहाँ से उसने पानी लेना स्टार्ट कर दिया। ये जो ट्रंक है ना, यहाँ से उसने पानी लिया, कहाँ पे लिया उसने, यहाँ पे अपने इस ट्रंक में लिया पानी। राजू सक्स इन वाटर विद हिज ट्रंक, और उसने अपने ट्रंक से पानी ले, जैसे वाटर गन से हम लोग पानी लेते हैं ना वैसे ही। देन ही स्प्रेस वाटर इन टू सोनास माउथ, फिर उसने क्या किया यहाँ पे, अपने स्प्रे किया, कैसे स्प्रे किया, उससे आपके मुंह में स्प्रे किया। ही स्प्रेस वाटर इन टू सोनास माउथ, थैंक यू राजू, आई एम नॉट थर्स्टी एनी मोर। यहाँ पे क्या लिखा है उसने, ये जो सोना है वो क्या बोलती है राजू को, ये बोलती है कि थैंक यू राजू, आई एम नॉट थर्स्टी एनी मोर, मतलब वो उसको अब प्यास जो है उसकी ख़त्म हो गई है, एंड नाउ शी इज़ हैप्पी। ओके, नाउ लेट्स रीड द हार्ड वर्ड्स वी हैव ऑलरेडी, देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसमें हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग हार्ड वर्ड्स। हार्ड वर्ड्स में सोना इज थर्स्टी ऑलरेडी वी हैव डन इन द नोटबुक, वन नंबर नोटबुक, राइट। नाउ वन इज वॉट, फर्स्ट क्या है हमारा स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज दिस, फर्स्ट इज सोना, एस ओ एन ए सोना, सोना मतलब सोना इज अ नेम, तो सोना क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। सेकेंड क्या है, एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी, एफ ओ आर ई एस टी, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, जंगल, टी एच आई आर एस टी वाई, थर्स्टी, थर्स्टी मतलब प्यासा, थर्स्टी मतलब प्यासा, जब कोई प्यासा होता है ना, प्यास लगती है उसे थर्स्टी बोलते हैं। नेक्स्ट डी आर आई एन के, ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पानी पीना, ड्रिंक मतलब पीना, डी आई पी एस, डी आई पी एस, टिप्स, टिप्स मतलब डुबाना, जब वो क्या, वो ट्रंक क्या कर रहा था, वो ट्रंक को डुबा रहा था। लिटिल, एल आई डबल टी एल ई, लिटिल दे मीन्स छोटा, लिटिल
सोना वॉज लिटिल ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, छोटा। नेक्स्ट ट्रंक, टी आर यू एन के, ट्रंक, ट्रंक मतलब सूंड। ट्राई, टी आर वाई टी आर आई ई एस, ट्राइस, ट्राइस मतलब कोशिश करना, ट्राइस मतलब कोशिश करना। एस यू सी के, सक, सक मतलब चूसना, सक मतलब चूसना। सी ओ एल डी, कोल्ड, कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा। कोल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठंडा। जैसे हमें ठंड लगती है तो क्या बोलते हैं हम लोग, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। नेक्स्ट ट्वेल्व, ट्वेल्व में सैड, एस ए डी, सैड मतलब दुखी होना। से सोना दुखी थी, शी वॉज सैड। राजू, आर ए जे यू, राजू, राजू क्या है, राजू इज अ नेम ऑफ एलिफेंट। राजू कौन है, राजू इज सोनास ब्रदर। नेक्स्ट मैटर, एम ए डबल टी ई आर, मैटर, मैटर मतलब मामला। नेक्स्ट डोंट वरी, डोंट वरी मतलब चिंता नहीं करो, डोंट वरी मतलब चिंता नहीं करो। स्प्रे, स्प्रे मतलब फुहार, एस पी आर ए वाई, स्प्रे मतलब फुहार। टी एच ए एन के, थैंक वाई ओ यू, थैंक यू, थैंक यू मतलब धन्यवाद। नेक्स्ट 18, ए एन वाई एम ओ आर ई, एनीमोर, एनीमोर मतलब अब, एनीमोर मतलब अब। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड क्वेश्चन आंसर्स, राइट ना। क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन वन क्या है हमारा, क्वेश्चन वन इज क्या है, वेयर डज सोना लिव, वेयर डज सोना लिव, सोना कहाँ रहती है। ये वेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वेयर का मतलब कहाँ, लिव मतलब रहना। वेयर डज सोना लिव, सोना कहाँ रहती है, सोना लिव्स इन द फॉरेस्ट। सोना कहाँ रहती है, सोना लिव्स इन द फॉरेस्ट। क्वेश्चन टू, वाई डज सोना क्राई, Why does सोना cry मतलब आपको पता है so why का मतलब क्या होता है, क्यों, why का मतलब क्यों होता है, why का मतलब हिंदी में क्या होता है, क्यों। ओके नाउ, तो why does सोना cry, सोना क्यों रोती है, तो सोना क्यों रोती है, बिकॉज, बी ई ए सी, बी ई सी ए यू ए सी, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि। सोना वॉज थर्स्टी, सोना को क्या था, सोना को प्यास लगी थी, बिकॉज सोना वॉज थर्स्टी एंड शी हैड अ बैड कोल्ड, उसको क्या था, बैड कोल्ड था, सो शी कैन नॉट ड्रिंक वाटर, इसलिए वो पानी नहीं पी पा रही थी। शी वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक वाटर ड्यू टू कोल्ड, शी वॉज हैविंग कोल्ड सो शी वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक वाटर। नाउ हु इज राजू, राजू कौन है, तो मैंने अभी बताया ना राजू कौन है स्टूडेंट्स, राजू कौन था, राजू वॉज हर ब्रदर, राजू वॉज हर ब्रदर, राइट। राजू कौन था, राजू वॉज हर ब्रदर, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, राजू इज सोना। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगाया है, इसका मतलब ये है कि सोना का भाई है। ओके नाउ क्वेश्चन फोर, हाउ डज राजू हेल्प सोना, हेल्प का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हेल्प मतलब मदद करना, तो क्या लिखा है, राजू सक्स, सक्स मतलब चूसना। राजू ने सक्स इन वाटर विद हिज ट्रंक, उसने अपने सोर से पानी लिया एंड स्प्रेज, उसने फुहार लगाई वाटर इनटू सोनास माउथ, उसने कहाँ लगाई, सोना के माउथ में लगाई, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, इज सोना हैप्पी आफ्टर शी ड्रिंक्स वाटर, क्या सोना हैप्पी थी, येस, यहाँ पे वाई कैपिटल होगा, ये सोना इज हैप्पी, सोना क्या थी, येस सोना वॉज हैप्पी टू ड्रिंक वाटर, क्यों, क्योंकि उसकी प्यास जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो गई थी, राइट ना। विथ दिस अब हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सिंग अ स्मॉल नाउन सॉन्ग, देन आफ्टर वी विल वॉच अ वीडियो, हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, वी विल वॉच अ वीडियो। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट वॉचिंग। कॉमन एंड प्रॉपर, द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इज अ कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल,
He is a clown. In this sentence, we are talking about a clown. Clown is a general name for the person. They live in a city. In this sentence, we are talking about a city. City is a general name for the place. It is his dog. In this sentence, we are talking about a dog. Dog is a general name for the animal. This is a pastry. In this sentence, we are talking about a pastry. Pastry is a general name for the thing. Common nouns are not capitalized unless they begin a sentence or are part of a title. Special names given to people, places, pets, days, months, organizations, etc. are proper nouns. For example, John, the clown, entertains people in a circus. In this sentence, we are talking about John, the clown. John is a special name for the clown. They live in Mumbai. We are talking about Mumbai, a city. Mumbai is the special name for the city. His dog's name is Pluto. In this sentence, we are talking about Pluto, the dog. Pluto is the special name for the dog. All proper nouns begin with capital letters. The special name given to a country, city, road, river, mountain, monument, festival, etc. is a proper noun. All the words in a proper noun begin with a capital letter. For example, my uncle lives in New Zealand. The Red Fort is situated in New Delhi. My school is on Mahatma Gandhi Road. Today I learned a noun can be a person, place, or thing. Today I learned a noun can be a person, place, or thing. Today I learned a noun can be a person, place, or thing. A person, place, or thing. Grandma, sister, Uncle Harry. School, the mall, my town's library. Lunchbox, elephant, blueberry.